नमस्कार, मैं जया गुप्ता। श्री दुर्गा सप्तशती नव दुर्गा पाठ आठवां अध्याय। नवरात्रि में जब दुर्गा सप्तशती के पाठ किए जाते हैं तो प्रत्येक दिन एक अलग अध्याय का पाठ किया जाता है। पांचवें दिन सातवें और आठवें अध्याय का पाठ किया जाता है। सातवें अध्याय का वीडियो में इससे पहले वाले वीडियो में सातवां अध्याय बता चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं आठवां अध्याय लेकर आई हूँ। पांचवा दिन माँ स्कंद माता को समर्पित होता है। माँ स्कंद माता की आराधना हम निम्न श्लोक के द्वारा करते हैं। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर्दव्या शुभादास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। मैं आपको आठवां अध्याय बताऊं उसके पहले मैं आपको सातवें अध्याय के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी। सातवें अध्याय में हमने चंड मुंड दैत्य के वध की कथा देखी थी। देवी ने चंड मुंड दैत्य का वध कर दिया था और जिस देवी ने यानी काली देवी ने चंड मुंड का वध किया था उनको चामुंडा के नाम से जाना जाता है। अब आठवां अध्याय हम देखेंगे, इसमें रक्त बीज व्रत की कथा हम देखेंगे। तो आइए देखें आठवां अध्याय। ऋषि कहते हैं चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने पर बहुत सी सेना का संहार हो जाता है। तो दैत्यों का राजा शुंभ जो होता है उसके मन में बहुत क्रोध उत्पन्न होता है कि उसकी सेना भी खत्म होती जा रही है और उसके दैत्य भी बड़े बड़े दैत्य भी मरते जा रहे हैं। तो उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दे देता है। वह अपने जितने भी उनके कुल के बड़े बड़े सेनापति दैत्य सेनापति होते उनको सबको बुलाता है। जैसे उदायुद नाम के 86 दैत्य सेनापतियों को बुलाता है। वो कुंभ नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायकों को बुला के और उनसे कहता है कि आप युद्ध के लिए कूच करो। इसी तरह से 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धौम्र कुल के असुरों सेनापतियों को भी वो युद्ध के लिए सेना सहित कूच करने की आज्ञा देता है। कालक दोहाद्र मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार होके और तुरंत युद्ध के लिए जाए ऐसा वो आदेश दे देता है। और खुद भी भयंकर शासक जो है असुर राज शुंभ वो भी अपनी सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए रवाना हो जाता है। उसकी अत्यंत भयंकर सेना को आता देख के चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया था। और राजन तदंतर देवी के सिंह ने भी जैसे ही देवी ने अपने धनुष की टंकार की वैसे ही सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया तो एक साथ तीन तीन तरह की आवाज आने लगी और उससे सारी दसों दिशाएं गूंज उठी। धनुष की टंकार, सिंह की दहार और घंटे की ध्वनि, तो इनकी इन तीनों आवाजों से दसों दिशाएं सारी दिशाएं गुंजायमान हो उठी। और उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और बड़ा किया और इस प्रकार वे विजयिनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह और काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन इसी बीच असुरों के विनाश के लिए तथा देवताओं के कष्ट निवारण के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां जो कि अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी उनके शरीरों से निकल निकल कर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास जाती है। जिस देवता का जैसा रूप और जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न होकर उनकी शक्तियां असुरों से युद्ध करने के लिए आती है। सबसे पहले हंस युक्त विमान पे बैठ के अक्ष सूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित होती है जिसको हम ब्रह्माणी के नाम से जानते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ होती है। हाथ में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए हुए, महानाग का कंकण पहने हुए, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित होकर वहां आ जाती है। कार्तिकेय की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण करके श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए वहां आती है। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान होके शंख, चक्र, गदा, शांग धनुष, खड़ग हाथ में लेके आती है। अनुपम यज्ञ वारह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है वो भी वारह शरीर धारण करके वहां पे उपस्थित हो जाती है। नारसिंह शक्ति भी नरसिंह भगवान के समान शरीर धारण करके वहां आती है और जैसे ही वो अपने गर्दनों के बाल झटकती है तो आकाश से तारे तक बिखर पड़ते हैं। इस तरह से वो लोग सब अपनी शक्तियों को भेज देते हैं वहां पे। इंद्र की शक्ति
वज्र हाथ में लिए गजराज एरावत पे बैठ के आती है, उसके भी सहस्त्र नेत्र होते हैं और इंद्र का जैसा रूप है वैसा का वैसे ही उसका भी रूप होता है। उसके बाद उन देवी शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट होती है, जो सैकड़ों गिदड़ों की भांति आवाज करके और वहां पूरे वातावरण को यानी गुंजायमान कर देती। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा कि हे भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाओ और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ निशुंभ दोनों से कहो और साथ में जो लोग भी वहां पे युद्ध के लिए उपस्थित है उन सबको ये संदेश दो कि देत्यो, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्र को उनका त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवताओं को उनका यज्ञ भाग का उपभोग करने को मिल जाए तो वो छोड़ देंगे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं यानी योगनिया तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त होगी, यानी मैं तुमको मार के खा जाऊंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य के रूप में नियुक्त किया था इसलिए उन देवी का नाम शिवदूती पड़ा और वे संसार में इसी नाम से विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुख से जब देवी के ऐसे वचन सुनते तो क्रोध में भर उठते हैं और वे सब वहां चल जाते जहां कात्यायनी देवी पहले से विराजमान थी, उस ओर बढ़ते हैं। बाद में वे दैत्य क्रोध में भरकर पहले तो देवी के ऊपर बाण शक्ति रिष्टि आदि अस्त्रों से वर्षा करने लगते हैं। तब देवी ने भी खेल खेल में धनुष की टंकार की और उनके जो भी छोड़े हुए बड़े बड़े बाण उन्होंने जो देवतियों ने चलाए थे बाण शूल शक्ति फरसे वगैरह उन सब को अपने बाणों से काट डाला। फिर काली उनके आगे आकर शत्रुओं को प्रहार करके उनको विदीर्ण करने लगी और उनको मारने लगी। खटवांग से भी उनका कचुमर निकालती हुई रणभूमि में इधर उधर विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क कर शत्रुओं का ओज और पराक्रम नष्ट कर देती, यानी वो कमजोर पड़ जाते। माहेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से, अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से देवतियों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के व्रज पहाड़ से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वारही शक्ति ने कितनों को अपने थुथुन से मार से नष्ट किया, दाड़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली और कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंह भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं और आकाशों को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूति के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूति ने उसी समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मात्र गणों यानी मात्र शक्तियों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख सारे दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मात्र गणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख के एक महादैत्य रक्त बीज क्रोध में भर के युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब भी कोई रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तो उसके समान ही एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता था, ऐसा उसको वरदान प्राप्त था। अब महासुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा तो इंद्री ने अपने व्रस से रक्त बीज को मारा। व्रस से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सारा रक्त टपकने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। अब जितनी भी रक्त की बूंदे उसके शरीर से गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए और वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान बलवान और पराक्रमी थे और वे भी वैसे के वैसे ही भयंकर अस्त्र शस्त्रों का को लेकर और मात्र गणों के साथ युद्ध करने लग गए। मतलब पहले एक राक्षस था, अब कई सारे राक्षस हो गए। फिर वज्र के पहाड़ से जब उसका मस्तक घायल हुआ तो रक्त बहने लगा, उससे फिर हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में जब रक्त बीज पर प्रहार किया तथा इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई तो वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर भी उसके शरीर से रक्त बहा और उससे भी उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य पैदा हो गए। अब पूरे जगत में वो दैत्य दैत्य दिखाई देने लगे, सब दूर वो दैत्य दैत्य व्याप्त हो गए। कोमारी ने शक्ति से, वारही ने खड़क से, महेश्वरी ने त्रिशूल से उस महादैत्य रक्त बीज को घायल किया
और क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मातृ शक्तियों पर अलग अलग प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर उसके शरीर से जितना भी रक्त पृथ्वी पे गिरा उनसे उतने ही असुर उत्पन्न हो गए, सैकड़ों हजारों असुर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से जो पैदा हुए असुर वो सारे जगत में बस वही वही दिखाई देने लगे। इससे देवताओं में वापस से भय उत्पन्न हो गया कि एक से पार नहीं पा पा रहे और ये इतने हजारों लाखों पैदा हो गए तो इनको कैसे मारेंगे। तब देवताओं को उदास देखती है चंडिका तो वो काली से कहती है कि हे चामुंडे तुम अपना मुख और बड़ा करो और मेरे शस्त्र पात्र से जितने भी रक्त बिंदु गिरे उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख में खाती जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण तुम करोगी और रण में इधर से उधर घूमती रहोगी तो ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त खत्म हो जाएगा और वो कमजोर हो जाएगा और तो वो नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को भी जब तुम खा जाओगी तो नए दैत्य भी उत्पन्न नहीं होंगे। काली से ये कह के चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा। काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल होने से बहुत सारा रक्त गिरा किंतु जो ही वो रक्त गिरा चामुंडा ने उसके नीचे अपना मुंह ले लिया और सारी रक्त की बूंदे चामुंडा माता के मुंह में आ गई और रक्त गिरने से और काली के मुख में वो जो महादैत्य उत्पन्न हुए उनको भी वो खा गई और उन्होंने रक्त बीज का भी सारा रक्त पी लिया। तो बाद में देवी ने रक्त बीज को उसका सारा रक्त तो चामुंडा ने पी लिया था वज्र से बाण से खड़क से रिष्टि से आदि से प्रहार कर करके मार डाला। राजन इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पे गिर पड़ा। नरेश्वर इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई। देवताओं में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मत से उद्दत सा होकर नृत्य करने लगा। इति श्री दुर्गा सप्तशती आठवां अध्याय समाप्त। श्री दुर्गा सप्तशती का नवा अध्याय सुनने के लिए मेरा अगला वीडियो देखिए। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। हिंदू धर्म भारतीय धर्म संस्कृति सभ्यता रीति रिवाज व्रत त्योहार कथा आदि को जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।